नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम और आप हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 92 में। श्रृंखला अब भी जारी है शहाबुद्दीन की, और खबरों के पीछे में शहाबुद्दीन की ये श्रृंखला शुरू हुई थी एपिसोड नंबर 71 से। इसलिए सिवान के शहाबुद्दीन को पूरा जानने समझने को आपको खबरों के पीछे का एपिसोड 71 से लेकर 91 तक भी जरूर देखना चाहिए। आज भी हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जा रहे हैं, आप दर्शकों के समय का ख्याल हम रख रहे हैं। पहले का बताना बस इतना है कि शहाबुद्दीन ने 1990 में एमएलए बनने के पहले कैसे उमाशंकर सिंह और फिर महाचंद्र प्रसाद सिंह के लिए बूथ छापा था, यह तो आप जान ही चुके हैं। तब रिकॉर्ड की तारीख में 1967 में जन्मे शहाबुद्दीन की उम्र मात्र 18 साल और 19 साल थी। 1990 में पहली बार जीरादेई से एमएलए बनने के वक्त शहाबुद्दीन की उम्र रिकॉर्ड में 23 साल 23 ईयर्स ही थी। हमारे कई दर्शक पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि 25 साल से कम की उम्र में कोई एमएलए बन जाए, लेकिन जो हुआ हम आपको बस उतना ही बता सकते हैं, आगे तब की व्यवस्था को पता होगा, सवाल का जवाब उनके पास ही होगा। खैर, एपिसोड 90 में जब हमने 1985 में उमाशंकर सिंह के लिए और 1986 में महाचंद्र प्रसाद सिंह के लिए बूथ छापने की कहानी सुनाई, तब कई दर्शकों ने मुझे कुछ और याद करा दिया। मुझे भी याद आया कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तब काली प्रसाद पांडे के साथ अपनी पहली मुलाकात और आगे के रिश्तों के बारे में बताया करते थे। 1980 में पहली बार काली पांडे एमएलए बन गए थे गोपालगंज से, निर्दलीय चुनाव जीता था। फिर काली पांडे के बाहुबल का नाम इतना चमका कि वे बिहार के बहुत ही बड़े डॉन समझे जाने लगे। आगे चलकर तो काली पांडे की दबंगई को दिखाने वाली फिल्म प्रतिघात बन गई। तब बॉलीवुड में शायद पहली बार बिहार के किसी डॉन के कारनामों पर फिल्म बनी थी, फिल्म भी बहुत हिट हुई थी। तो यह तो आपने समझ ही लिया कि काली पांडे पॉलिटिक्स में शहाबुद्दीन से बहुत अधिक सीनियर थे। उम्र का फासला निकालेंगे तो काली पांडे जब पहली बार 1980 में एमएलए बने तब शहाबुद्दीन हाफ पैंट की उम्र में 13 साल की अवस्था में रहे होंगे। आगे काली पांडे का जलवा बढ़ता ही जा रहा था। तभी हुआ ये कि गोपालगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी नगीना राय पर पटना जंक्शन कैंपस में बमों से हमला किया गया। नगीना राय भी दबंग थे। वारदात के वक्त वे अपनी पत्नी के साथ नई दिल्ली से पटना जंक्शन आए थे। बम के हमले में नगीना राय तब बच गए थे, काली पांडे से उनकी पुरानी अदावत थी। बम किसने मारा रहस्य बहुत बाद में खुला, लेकिन तब तक नगीना राय अपने सभी विरोधियों के खिलाफ एफआईआर लिखा चुके थे। इस एफआईआर में एमएलए काली पांडे के साथ गोपालगंज के सुरेंद्र सिंह, रामाशंकर सिंह, अनंत बाबू, अर्जुन सिंह, अवधेश तिवारी आदि का नाम भी लिखा गया। सुरेंद्र सिंह बहुत बाद में बिहार सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री भी बने। तो एफआईआर लिखाए जाने के बाद पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। मामला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का था, बम मारा गया था, इसलिए हंगामा पटना से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ था। तब पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम राजकुमार सिंह हुआ करते थे, जो अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। एसएसपी किशोर कुणाल थे, बहुत तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी, और इन दोनों ने मतलब राजकुमार सिंह और किशोर कुणाल ने मिलकर अपने फ्लैट में तब बाल में खिजाब लगवा रहे एमएलए काली पांडे को जाकर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में नगीना राय की पत्नी जो वारदात के वक्त साथ थी बच गई थी, वह इस बात से पलट गई थी कि बम मारने वालों में काली पांडे भी थे। कई साल बाद
स्वयं नगीना राय ने भी कोर्ट में लिखकर दे दिया कि ये लोग अटैक करने वालों में नहीं थे, पहचान में भूल हो गई थी। खैर, जितने दिन काली पांडे जेल में रहे तब तक 1984 में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बस गई। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर थी। नगीना राय कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाए थे, वे अब लोकदल से लड़ रहे थे। कांग्रेस ने शशिकांत मिश्रा को गोपालगंज से टिकट दिया था और काली पांडे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में टाल ठोकने को आ गए थे। काली पांडे का जोर इस चुनाव में इतना चला कि वे निर्दलीय ही करीब 1,77,000 वोटों से चुनाव जीत गए। काली पांडे को 2,87,360 वोट आए थे। लड़ाई नगीना राय से हुई थी। कांग्रेस के शशिकांत मिश्रा तो देश में कांग्रेस लहर होने के बाद भी तीसरे स्थान पर चले गए थे और जब एमपी बनकर काली पांडे दिल्ली पहुंचे तो वे कांग्रेस के बहुत करीब हो गए। राजीव गांधी के साथ काली पांडे की कई तस्वीरें भी आज भी आपको यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात सच है कि 1984 के चुनाव तक में काली पांडे की पहचान शहाबुद्दीन से नहीं हुई थी। हालांकि सिवान में शहाबुद्दीन ने चमकना शुरू कर दिया था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि शहाबुद्दीन जीते जी जब कभी पुराने दिनों का किस्सा सुनाया करते थे तो काली पांडे की कहानी भी बताया करते थे। अब जब इस कहानी को जानने में मेरी दिलचस्पी हुई, क्योंकि आप सबों को बताना था, तो मैंने गोपालगंज के ही टुन्नागिरी को खोजा। टुन्नागिरी शहाबुद्दीन के शुरुआती दिनों में दोस्त बने थे, जो अंत तक रहे, आज भी पारिवारिक रिश्ता है, किसी अपराध से वास्ता नहीं। पर जब शहाबुद्दीन को रिलैक्स होना होता तो वे अपने खास दोस्तों को ही आसपास रखते थे, कहानियां सुनाते थे। और जब हमने टुन्नागिरी से बातचीत की, काली पांडे से पहचान, आगे की कहानी जानने को, तो उन्होंने इस बात को कबूला और सारे राज खोले। उन्होंने यह भी बताया कि काली पांडे से शहाबुद्दीन की पहचान कराने वाला कोई और नहीं, टुन्नागिरी ही थे। आगे जो हम बताएंगे वह सब कुछ आप टुन्नागिरी के हवाले से ही समझिएगा। साल 1988 की बात है, 1988। टुन्नागिरी गोपालगंज से पटना आए हुए थे। इनके बड़े भाई आज की तारीख में बिहार के सबसे महंगे वकील हैं। तभी एक दिन शहाबुद्दीन पहुंच गए पटना। शहाबुद्दीन की उम्र तब 21 साल ही हुई थी, पर तूफान तो बनने लगे थे। टुन्नागिरी बताते हैं कि झारखंड में कहीं से आए थे शहाबुद्दीन। टी शर्ट और जींस पहनने का शौक तभी से था शहाबुद्दीन को। जब वे आए तब पटना में मुझे, मतलब टुन्नागिरी को, दो लोगों से मिलने जाना था। एक अनिल कुमार, जो भोरे के एमएलए भी बने, इनके भाई सुनील कुमार अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे गोपालगंज के तत्कालीन एमपी काली पांडे, जो एक बड़े नाम थे। टुन्नागिरी बताते हैं कि शहाबुद्दीन को हमने घर पर ही रहने को कहा, लेकिन वे बोले हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, साथ चलते हैं। टुन्नागिरी बताते हैं कि पहले अनिल कुमार से मिलने गया। हमने उनसे न शहाबुद्दीन की पहचान कराई और न ही अनिल कुमार ने मुझसे साथ रहे शहाबुद्दीन के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी, वे तो पहचानते ही नहीं थे। फिर पटना के ही चाणक्य होटल में गया, जहां हमारे डॉन एमपी काली पांडे रुके हुए थे। टुन्नागिरी याद करते हैं, कुछ देर की बातचीत के बाद हमने अपने साथ रहे शहाबुद्दीन की पहचान काली पांडे को बता दी। मेरा बताना था कि वे उछल पड़े। बोले, काली पांडे बोले, बाप रे बाप, यही शहाबुद्दीन बा, ये तो सिवान में अभी सबसे ज्यादा चमकत, सभ्य पुरनका के होश ठंडा कर दिले बा। तो काली पांडे की पहली प्रतिक्रिया पहली मुलाकात में शहाबुद्दीन के लिए ऐसी थी, बाप रे बाप, यही शहाबुद्दीन बा। खैर, शहाबुद्दीन के दोस्त टुन्नागिरी कहते हैं
कि इसके बाद कोई साल भर दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई। मेरी मुलाकात तो दोनों से होती ही रहती थी। तभी 1989 का लोकसभा चुनाव आ गया। सिवान से अब्दुल गफूर और गोपालगंज से काली पांडे अब कांग्रेस के कैंडिडेट थे। सिवान के चुनाव में अब्दुल गफूर के लिए साहबुद्दीन का इंटरेस्ट था। चुनाव का माहौल कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रभाव साफ दिख रहा था पूरे देश में। चुनाव के वक्त दिख तो नहीं रहा था, लेकिन समझ में आने लगा था कि अयोध्या में ताला खुलवाने से मुसलमान भी कांग्रेस के साथ इंटैक्ट नहीं है, ब्राह्मण अब भी कांग्रेस के साथ थे। तुन्नागिरी याद करते हैं कि एक दिन साहबुद्दीन ने संदेशा भिजवाया कि सिवान आबा, थोड़ा अपन जात समाज के बीच गफूर साहब के लिए घूम जा। हमने ऐसा किया भी, मतलब तुन्नागिरी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया भी। तुन्नागिरी कहते हैं कि फिर जब वे गोपालगंज वापस आ गए, चुनाव का प्रचार चल ही रहा था, तो एक दिन काली पांडे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, दबंग थे, उन्होंने बुलाया। हम उनके साथ ही थे चुनाव में, मतलब तुन्ना पांडे साथ थे। जब मुलाकात हुई काली पांडे से तो वे बड़े परेशान दिखे, टेंशन में थे। बोले टुन्ना, माहौल ठीक नहीं थे, ब्राह्मण सब तो अभी भी ठीके बा, लेकिन राजपूत के संगे भूमिहारों सब जनता दल के कैंडिडेट राज मंगल मिश्रा के साथ जात बनी, मतलब राजपूत और भूमिहार जनता दल के उम्मीदवार राज मंगल मिश्र के साथ दिख रहे हैं। तुन्नागिरी कहते हैं कि जब मैंने काली पांडे से पूछा कि तब का करे के बा, तो काली पांडे बोले, मसल पावर दिखावे पड़ी तुन्ना, बूथ लूटे पड़ी, और ऐसन बा कि तोहार जे दोस्त बा सिवान वाला साहबुद्दीन, ओकरा पूरा पलटन के साथ बुला लो गोपालगंज चुनाव के पहले। तुन्नागिरी कहते हैं कि काली पांडे से उनके अच्छे रिश्ते थे, वे काली पांडे की जीत भी देखना चाहते थे, इसलिए काली पांडे की बात कबूल कर ली। तुन्ना पांडे याद करते हैं कि तब एसटीडी की सुविधा कहने को जरूर आ गई थी, लेकिन गोपालगंज से सिवान फोन लगा पाना भी बड़ा मुश्किल होता था। सिवान के प्रतापपुर में शाहबुद्दीन के घर पर 2376-2376 नंबर का एक फोन लगा था, लैंडलाइन। कई घंटा लगाने के बाद भी फोन नहीं लगा। फिर एक संदेश वाहक को चिट्ठी के साथ उन्होंने भेजा। शाहबुद्दीन ने चिट्ठी फरी और मैसेंजर को बोले, मतलब तुन्नागिरी के मैसेंजर को, जाके दोस्त के बोल दिया कि हम समय से आ जाए, सब काम हो जाए। तुन्नागिरी याद करते हैं कि शाहबुद्दीन आ भी गए अपने सहयोगियों के साथ। गोपालगंज में सबसे पहले वे दानापुर वहाँ गोपालगंज में भी है, तो दानापुर में आकिल खान के यहाँ पहुँचे थे। फिर हम लोग वहाँ गए। शाहबुद्दीन ने कहा, काली बाबा के कह कि हमनी के ऊ सब बूथ के जिम्मा दिहन जो सबसे खराब बा। फिर उन बूथों की लिस्ट तैयार हुई। तुन्नागिरी कहते हैं कि तब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी और रात को ही पोलिंग पार्टी बूथों पर पहुंच जाती थी, और जो अधिक ताकतवर होते थे वे रात को ही वोट छाप लिया करते थे। हम सबों के दस्ते ने भी ऐसा ही करना शुरू किया। रात को ही लिस्ट में जो बूथ लिखे थे उन पर रेड मारने लगे। हम सबों के साथ साहबुद्दीन तो थे ही, साथ में काली पांडे के छोटे भाई आदित्य पांडे भी थे, जो अभी बीजेपी के MLC हैं। बूथ छापने का तरीका ऐसा था कि बैलेट बॉक्स में रात को ही, मतलब चुनाव के पहले वाली रात को ही 60% वोट डाल दिए, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने तभी सरकारी फॉर्म में लिख दिया कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। और जब सुबह आम लोगों के लिए वोटिंग शुरू होती तो सबों को पता चलता कि उनका वोट तो पहले ही गिर गया है, और जब वोट गिर गया है तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, हल्ला काट लिए। लेकिन फ़र्क क्या होता है, 10-15% लोग ही ऐसे में अपना वोट सही से दे पाते थे। तुन्नागिरी याद करते हैं कि काली पांडे ने हम सबों को 2 अम्बेसडर कार उपलब्ध कराई थी।
इनमें से एक कार पटना से आई थी जो कांग्रेस पार्टी ने भाड़े पर लेकर कैंडिडेट को भेजी थी। राजू नाम का ड्राइवर था। इस गाड़ी में अगली सीट पर शहाबुद्दीन स्टेनगन लेकर बैठे थे और पीछे की सीट पर आदित्य पांडे मतलब काली पांडे के छोटे भाई व एक और व्यक्ति। पीछे दूसरी एम्बेसडर कार में हम भी थे, शहाबुद्दीन का रियाजुद्दीन भी था। रात भर के ऑपरेशन के बाद अब चुनाव के दिन का ऑपरेशन था। कहीं से खबर मिली कि कटैया के पूर्व विधायक सिंहेश्वर शाही ने अपने इलाके का बूथ काली पांडे के खिलाफ छपवा दिया है। उधर ब्राह्मण कम थे, भूमिहार अधिक थे, इसलिए ब्राह्मणों को भी काली पांडे को वोट नहीं देने को दिया गया। तो नगर याद करते हैं कि स्वयं सिंहेश्वर शाही कटैया के पूर्व विधायक शरीफ आदमी थे, लेकिन उनके भाई नंदकिशोर शाही बहुत ही दबंग अपराधी नहीं थे, लेकिन जमींदार, रंगदार, ठेकेदार सब कुछ थे। आसपास के सभी लोग उनसे थरथराते थे। तो शहाबुद्दीन ने फैसला कर लिया कि अब सिंहेश्वर शाही के बूथ पर ही चलते हैं, जिन्होंने बूथ को छाप लिया है। जिस बूथ को वो छापे बैठे हैं वहाँ के बैलेट बॉक्स को ही लूट लेंगे। फिर क्या कर लेंगे सिंहेश्वर शाही और नंदकिशोर शाही? तो पूरा दस्ता उधर ही चल पड़ा। लेकिन तब तक वहाँ भी खबर हो गई थी कि कोई सिवान से शहाबुद्दीन आया हुआ है जो बैलेट बॉक्स लूटने आ रहा है। तुन्नागिरी कहते हैं कि जब हम लोग पहुँचने ही वाले थे कि गन्ने के खेत से गोली चल गई, मतलब तैयारी उधर भी हो गई थी। एक गोली तो कार के भीतर बिल्कुल शहाबुद्दीन और पीछे बैठे आदित्य पांडे के बीच से ही निकल गई। इसके बाद शहाबुद्दीन ने अपने स्टेनगन से अंधाधुंध फायरिंग की और जिस काम के लिए आए थे वह कर ही दिया। बूथ के भीतर गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टेनगन देखते ही डर गया और शहाबुद्दीन बैलेट बॉक्स अम्बेसडर की डिक्की में लेकर चलते बने। आगे शाशामुशा में फिर से गोली चल गई। तुन्नागिरी कहते हैं कि शाम होते होते यह खबर मिलने लगी कि सारे पुलिस वाले शहाबुद्दीन को गोपालगंज में तलाश रहे हैं। इसमें अशोक राम नाम का पुलिस वाला सबसे आगे था। शहाबुद्दीन से इसका पंगा बहुत पुराना था। शहाबुद्दीन को भी लग गया कि अब तो बहुत मुश्किल होगी, ये अशोक राम चीन नहीं देगा। अशोक राम अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने पहचाने जाते थे पुलिस महकमे में। तो टुन्नागिरी कहते हैं कि उस रात को, मतलब चुनाव वाली रात को, हम लोग गोपालगंज में ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वैदेही शरण राय के घर में जाकर छुप गए। तब वे मोतिहारी में तैनात थे। उन्होंने ही कहा था, आवा कोई बात नहीं खे रहिया ठीक से। वैदेही शरण राय का समधी वाला रिश्ता पटना के विक्रम वाले श्यामदेव सिंह के परिवार से रहा है। टुन्नागिरी बताते हैं कि अगर हम लोगों ने इसलिए तलाशा क्योंकि सिंहेश्वर शाही के घर के पास ही वैदेही शरण राय का भी घर था, ऐसे में यह मान लिया गया था कि वहाँ पुलिस नहीं आएगी। लेकिन उस रात को छुपे रहने के दौरान ही शहाबुद्दीन ने क्या कहा था यह बात भी तुन्नागिरी बताते हैं। शहाबुद्दीन ने कहा, देखा काली पांडे भी चुनाव हार गलन, हम लोग ये छाप लें और फिर पंडित जी लोग ये वोट दिलस, ओकर अलावा कोई न दिलस है। उधर सिवान में भी अब्दुल गफूर हार रहे हैं, कांग्रेस के हालते खराब बा, अब पता नहीं हम लोग के पैरवी कौन करी। हुआ भी ऐसा ही, दोनों ही लोकसभा चुनाव हार गए, मतलब काली पांडे और अब्दुल गफूर। लेकिन किस्मत ने फिर ऐसी पलटी मारी कि जो शहाबुद्दीन पैरवी कार खोज रहे थे, चिंता कर रहे थे कि अब पैरवी कौन करेगा, वे कुछ माह के बाद ही 1990 मतलब 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीरादेई से निर्दलीय चुनाव जेल में रहते हुए जीत गए और खुद विधायक बन गए। तो आज की कहानी इतनी ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल रात को फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 93 में और एक और कहानी, ऐसी कहानी जो और भी रोचक है। तो आप बने रहिएगा खबरों के पीछे के साथ। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को
आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। कितना देखा?